आगे बढ़ते हैं और तीसरे दीर्घ स्तरीय जो रिटेल शॉप है उसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। अगला जो हम प्रकार देख रहे हैं वो है डाक द्वारा व्यापार। अब ये क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले बात होती है इसके ओरिजिन की या इसका उद्गम कहाँ से हुआ। इसका जो उद्गम है संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1872 ईस्वी में हुआ है और इसके विकास का जो मुख्य कारण है वो है विज्ञापन एवं संदेश वाहन के आधुनिक तरीकों के जन्म से ही हुआ है। अगर हम डाक व्यापार का अर्थ समझें तो यहाँ पर डाक व्यापार वह व्यापार होता है जिसमें विक्रय का माध्यम विक्रेता न होकर डाक विभाग होता है। अब इन्हें कुछ अगर हम परिभाषाओं के माध्यम से जानें तो कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली परिभाषा प्रोफेसर कैनन ने दी हुई है, उनके द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार डाक द्वारा व्यापार वह व्यापार होता है जिसमें डाक द्वारा आदेश प्राप्त किए जाते हैं व माल सुपुर्दगी भी डाक या पार्सल द्वारा दी जाती है। एक और परिभाषा देखते हैं जो कि दी गई है प्रोफेसर नेस्ट्रम के अनुसार, उनके अनुसार डाक द्वारा व्यवसाय वह व्यवसाय है जिसमें सूची पत्रों से माल बेचा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये वह व्यवसाय है जिसमें जो क्रय और विक्रय दोनों जो कार्य है वो पत्र व्यवहार द्वारा किया जाता है, डाक द्वारा किया जाता है। तो यह पत्र व्यवहार जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरीके के व्यवसाय को करने के लिए। हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कुछ विशेषताओं के माध्यम से और वो विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये विशेषताएं कहती हैं यहाँ पर माल का विक्रय विज्ञापन द्वारा किया जाता है। जैसे ही मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था मैंने आपको ये बताया कि डाक व्यापार जो है इसको जन्म ही दिया है या इसके विकास का मुख्य कारण जो है विज्ञापन और संदेश वाहन है। तो यहाँ पर अगर इसकी विशेषता को देखें तो माल का विक्रय विज्ञापन द्वारा ही किया जाता है, साथ ही साथ जो समस्त माल जो है डाक द्वारा ही भेजे जाते हैं, उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं का क्रय करने का आदेश डाक द्वारा ही दिया जाता है और इस प्रकार के व्यापार में मध्यस्थों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, साथ ही साथ माल का संग्रह करना भी आवश्यक नहीं होता है। यदि जो क्रेता है उसने कोई ऑर्डर प्लेस किया है विक्रेता को और विक्रेता अगर निर्माण करता है तो वो अपने पास उपलब्ध स्टॉक से जो है क्रेता को डाक द्वारा माल भेज सकता है। लेकिन अगर कोई विक्रेता अगर मैन्युफैक्चरर या निर्माता नहीं है तो अगर उसके पास वस्तुओं का स्टॉक नहीं है जिस जो वस्तुओं की लिस्ट या ऑर्डर एक क्रेता ने प्लेस की है तो वो क्या करेगा, मार्केट से उन वस्तुओं को एकत्रित करेगा और दी गई लिस्ट के अनुसार उसको अच्छी तरीके से पैकिंग करेगा और उसको डाक सेवा के द्वारा क्रेता तक पहुँचाया जाएगा और इस प्रकार से ये जो है डाक व्यवहार या डाक व्यापार किया जाता है। और इसकी अगली विशेषता अगर हम देखें तो डाक द्वारा व्यापार के लिए किसी विशेष व्यापार की आवश्यकता नहीं होती, साथ ही साथ व्यापार में अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये पूरा व्यापार जो है डाक द्वारा चला जा रहा है, यहाँ बहुत सारे सेल्स पर्सन की आवश्यकता नहीं होती, साथ ही साथ बहुत बड़े भवन की जहाँ पर बहुत सारी मात्रा में जो है उत्पादों को सुरक्षित रखा जाए, उत्पादों को क्रय करके रखा जाए या उत्पादों का निर्माण करके रखा जाए, इन सारे किसी भी तरीके की चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। और इसमें पत्र व्यवहार का विशेष महत्व होता है जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो ये कुछ विशेषताएँ थी जो डाक व्यापार को क्लियर करने के लिए उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे समझाने के लिए काफ़ी थी। आगे बढ़ते हैं, डाक व्यापार करने की पद्धति क्या है। सबसे पहले अगर हम किसी भी व्यापार को समझें तो वहाँ पे बात आती है कि किस प्रकार से हम डाक किसी भी तरीके से व्यापार को कैसे प्राप्त करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पहला जो प्रोसेस का पहला स्टेप है वो कहता है कि डाक सूची तैयार करना। जब हम डाक द्वारा व्यापार की बात करते हैं यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि विक्रेता को अपने क्रेता के बारे में जानकारी होना। अब ये क्या होता है, यहाँ विक्रेता जो होता है उसे देश में या अपने एरिया में कौन कौन से क्रेता हैं उनके बारे में सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए और ये जानकारी एकत्रित करता है कि किस किस के साथ वो ये व्यवहार या व्यापार कर सकता है। उसके लिए उसे डाक सूची तैयार करनी पड़ती है। इसके लिए वो क्या करता है कि
सारे डिटेल्स निकालता है, कौन से रिलेटेड डिफरेंट डायरेक्टरीज से उन फर्म्स के या उन क्रेताओं के एड्रेस निकालता है, उनके नंबर्स निकालता है, और उन्होंने अभी तक किस किस प्रकार के व्यवहार किए हैं, अगर उनके अकाउंट बुक्स में या उनके डिटेल्स में अवेलेबल है तो वो सारी चीज़ें निकालता है और एक डाक सूची को तैयार करता है। इसके बाद बात आती है नियमित विज्ञापन करना। विज्ञापन जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु है इस डाक व्यापार का, या उसका आधार है हम मान सकते हैं डाक व्यापार का। तो इन्हें जो है नियमित विज्ञापन के द्वारा अपने जो क्रेताओं को हमेशा सूचित करना पड़ता है और उनको आकर्षित करना पड़ता है, हम ये भी कह सकते हैं। साथ ही साथ आदेशों की प्राप्ति करना, जैसे ही इनका विज्ञापन का कार्य समाप्त हो जाता है, अब जो ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं उनको प्राप्त करना, और ऑर्डर्स को मिलने के बाद जो ऑर्डर मिले हैं उस हिसाब से वस्तुओं को एकत्रित करना और उनकी पूर्ति करना, क्रेताओं को उन वस्तुओं को देना, ये इसके चौथे स्टेप में आता है। और साथ ही साथ भुगतान की राशि प्राप्त करना, ये देखिए दो प्रकार से होती है। कई बार जो क्रेता होते हैं अगर वो पुराने हैं तो, और ये विक्रेता जो है इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, तो ये रजिस्टर्ड डाक के द्वारा जैसे ही ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके साथ साथ अमाउंट भी भेज देते हैं कि इतने अमाउंट की वस्तुएं हमें चाहिए। लेकिन ये पहली बार अगर हो रहा है तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब ऑर्डर प्लेस किया जाता है डाक के द्वारा, तो जब वस्तुओं को इकट्ठा करके जब विक्रेता के द्वारा क्रेता तक डाक के द्वारा पहुंचाया जाता है, तब बात ये होती है कि वो डाक के द्वारा जब वस्तु क्रेता तक पहुंचती है तब ही वस्तुओं को हैंडओवर उस क्रेता को किया जाता है, जब उसके द्वारा उस अमाउंट को या उन पैसों को ले लिया जाता है चेक के माध्यम से या कैश के माध्यम से। तो इस तरीके से जो है ये भुगतान की प्राप्ति की जाती है। अक्सर यहाँ देखा गया है कि डीडी या चेक के माध्यम से ही इस प्रकार के व्यवहार को किया जाता है। हमने देखा कि डाक द्वारा व्यापार करने की पद्धति क्या है, प्रोसेस है ना, किस तरीके से किया जाता है। अब हम देखेंगे कि डाक द्वारा व्यापार के क्या लाभ हैं। डाक द्वारा व्यापार के लाभों को अगर देखें तो ये दो लोगों को लाभ देता है। पहला जो है ये ग्राहकों की दृष्टि से लाभ देता है, और दूसरी जो है ये विक्रेताओं की दृष्टि से लाभ देता है। तो आइए पहला हम देखते हैं कि ग्राहकों की दृष्टि से किस प्रकार लाभ देता है। तो अगर हम देखें तो यह जो है घर बहुत सुविधा देता है कि वस्तुएं आपको घर में पहुंच जाएंगी। दूसरी चीज़ ये दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति में भी आपको मदद करता है। आप जो है ऐसी वस्तुओं को जो आपके निकटतम स्थान से प्राप्त नहीं कर सकते वो इस डाक व्यापार द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर जो है प्रमाणित वस्तुएं आपको प्राप्त होती हैं, स्टैंडर्डाइज जो कीमती वस्तुएं आपको चाहिए वो यहाँ से भी प्राप्त हो सकती हैं, जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। फिर बात आती है धन की व्यवस्था से आसानी, क्योंकि जब आपने ऑर्डर प्लेस किया है और जब तक आपको वस्तु मिल रही है तब तक के समयावधि में आप क्या कर सकते हैं, जितनी कीमत की वस्तुएं आपने मंगवाई हैं उसका इंतज़ाम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है धन की व्यवस्था आसानी से हो सकती है। सस्ती वस्तुएं भी यहाँ से प्राप्त होती है कंपैरेटिवली मार्केट से, क्योंकि आप बहुत बड़ी मात्रा में जब उस वस्तु को मंगा रहे हैं तो जो उसका कॉस्ट होता है वो अपने आप कम हो जाता है। यहाँ पर जो होती है समय की बचत होती है, क्योंकि यहाँ कस्टमर को क्या है एक दुकान से दूसरी दुकान नहीं घूमना पड़ता अपने नीड को फुलफिल करने में, या अपनी वस्तुओं या अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर समय की बचत भी होती है। और साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पर स्थानीय करों से छुटकारा मिलता है यदि वह व्यवहार या व्यापार जो है डाक द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से जो डाक द्वारा व्यापार है वो ग्राहकों की दृष्टि से लाभ देखा हमने। अब हम देखते हैं कि यह विक्रेताओं की दृष्टि से किस प्रकार लाभ देता है। अगर हमने देखा कि ये अगर हम इसमें मितव्ययता की बात करें तो विक्रेता को एक बहुत बड़े जो है स्टोर को स्थापना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को जो है एम्प्लॉयमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत सारा खर्च करने की इन सब के पीछे इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, विनियोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो है मितव्ययता आती, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापार होता है वो पत्रों के द्वारा होता है। तो डाक के द्वारा वो ऑर्डर प्लेस किया जाता है या विक्रेता के द्वारा जब ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो वो डाकघर से प्राप्त होता है, और ये जो होते हैं
व्यापारी होते हैं या विक्रेता होते हैं अपने वस्तुओं को डाक के द्वारा ही उनको सुपुर्दगी देते हैं। तो यहाँ पे मितव्ययता की बात आती है। फिर साथ ही साथ हम देखें कि ये जो व्यापार है, अब यहाँ पे मितव्ययता की बात आ रही है, तो जब ये इस व्यापार में कम पूंजी की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पे कम पैसों में इन व्यापार को किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कम पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है रकम डूबने की हानि नहीं होती, क्योंकि ये जो व्यापार किया जाता है वीपी के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी ऑर्डर प्लेस किया जाता है, अगर वो रजिस्टर्ड ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, मतलब उसके साथ अमाउंट अगर विक्रेता को प्राप्त नहीं हुई है, तो जब जो उत्पाद है क्रेता तक पहुंचता है वो तभी उनको डिलीवर किया जाएगा या उनको सुपुर्दगी उसकी तभी दी जाएगी जब वो रकम जितनी सुनिश्चित की गई है उस उत्पाद के बदले वो डाक घर के व्यक्ति के द्वारा उनसे प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर जो रकम डूबने का भय है वो भी दूर हो जाता है कहीं ना कहीं। इसके बाद बात आती है कि यहाँ संग्रहण की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर भंडार करने की आवश्यकता नहीं है, एक बड़ा स्टोर बनाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ी दुकान बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार के जो खर्च हैं वो वहन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो है ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी कॉन्सेप्ट मध्यस्थों के उन्मूलन के लिए ही बनाया गया है, ताकि जो कस्टमर हैं उनको या उपभोक्ता उनको जो वस्तुएं हैं वो कम कीमत पर या उचित कीमत पर प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर भी है मध्यस्थों का उन्मूलन की बात की गई है, और साथ ही साथ इनका जो विस्तृत जो होता है क्षेत्र वो बहुत ही विस्तृत होता है, क्योंकि ये जो है एक बहुत बड़े क्षेत्र में हो सकता है पूरे देश भर में भी इस तरह के व्यापार को सहमति दी गई हो या इस तरह के व्यापार किए जाते हों। और यहाँ पर जो होता है जो डाक व्यय होता है वो एक समान होता है, जो कि आपके जो डाक है उसके वजन के अनुरूप ही उस तरीके का खर्च आता है। तो यहाँ पर जो लाभ दिए गए हैं या डाक व्यय से होने वाले लाभ हैं वो विक्रेताओं के लिए कुछ ये थे। तो हमने ये जो है कुछ लाभों को जाना जो कि डाक द्वारा व्यापार करने से लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से अगर कहीं लाभ है तो कुछ दोष तो होंगे। आइए अब हम उन दोषों को जानने की कोशिश करते हैं कि वो दोष क्या हैं। पहला दोष जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है विज्ञापन का अत्यधिक व्यय। यहाँ पर हमने जैसे कि अभी तक जाना है कि जो डाक व्यापार है उसमें विज्ञापन और साथ जो कम्युनिकेशन की बात आ रही है ये इसके बेस होते हैं, ये इनका मूलाधार होते हैं। तो यहाँ पर जो अत्यधिक व्यय की बात होती है वो क्या कह सकते हैं, भंडारण में ना हो करके, विक्रेताओं को जानने में ना हो करके, साथ ही साथ सामान का स्टॉक करने में ना हो करके, विज्ञापन करने में होती है। फिर हो सके यहाँ पर जो अशिक्षित ग्राहक होते हैं उनके लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि देखिए बच्चों लोग जो हैं अगर शिक्षित नहीं होंगे तो उनको वस्तुओं के बारे में जानकारी नहीं होगी, और इस तरीके के व्यापार करने के लिए चूँकि पत्र व्यवहार करना आना चाहिए, तो अगर हमारा उपभोक्ता ही अशिक्षित है तो इस तरह के व्यवहार वो कर नहीं सकता। फिर बात आती है साख सुविधाओं का अभाव, क्योंकि यहाँ पर जितने भी व्यवहार होते हैं व्यापार होते हैं वो नकद या कैश में होते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार के उधार प्रणाली में व्यापार या व्यवहार नहीं किया जाता है। फिर बात आती है छल कपट का व्यापक क्षेत्र, तक कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पर छल कपट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और डाक सूची बनने में समस्या आती है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, यहाँ पर माल मिलने में देरी होती है, ये कॉमन है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी वस्तुएं डाक से आती थोड़ा सा डिले होता है टाइम। इसमें जो चोरी या टूटने का भय होता है, जब वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाक द्वारा पहुंचती है तो यहाँ पर चोरी या टूटने का भय होता है। साथ ही साथ यहाँ व्यक्तिगत संपर्क का अभाव होता है, क्योंकि यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत संपर्क नहीं पाया जाता, ये पूरी की पूरी तरह पत्र व्यवहार पर बेस्ड होता है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिगत संपर्क का अभाव पाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बार बार पत्र व्यवहार करना पड़ता है, जो कि ये एक इम्पॉर्टेंट इसका जो है हम डिसएडवांटेज या दोष कह सकते हैं। फिर बात आती है कि जो माल है प्राप्त हुआ है उसकी वापसी नहीं हो सकती, वो टूट भी गया है तो उसकी वापसी की हानि वो लोग बेयर नहीं करेंगे, वो
किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी जिम्मेदारी कि अगर आपने ऐसा माल मंगाया तो वो आपकी जिम्मेदारी किस तरीके से आता है। और ग्राहकों की शिकायतों में कठिनाई, ग्राहकों की शिकायतें होने पर कई बार ऐसा होता है कि उनकी शिकायतों का निवारण होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी शिकायतों का निवारण नहीं हो पाता। तो कुछ ये दोष थे, ये कुछ समस्याएं थी जो कि डाक द्वारा व्यापार करने के समय जो है क्रेताओं को या फिर उन उपभोक्ताओं को जिनका सामना करना पड़ता है।